भरोसा रख के क्या करेंगे, जब हम लोग भूखे मरेंगे तो भरोसा रख के क्या फायदा। सरकार अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रही है, पैदल तक जाना पड़ गया। सरकार कह रही है कि आप लोग वापस मत जाइए, यहीं रहिए। सरकार तो कहेगी, दिल्ली सरकार तो झूठे वादे करते ही रहती है। सरकार को जो करना चाहिए वो तो कर ही रही है, और पहले भी करती आई है और फिर करती रहेगी। ना इलेक्शन तो हो गया, लेकिन ये डर की वजह से जा रही है। गांव जा रहे हैं, जो खेती बाड़ी होगा वो करेंगे, खाएंगे, वहीं रहेंगे। और लंबा लॉकडाउन लग जाए, इसी डर की वजह से हम घर जा रहे हैं, काम बंद पड़ा हुआ। सरकार तो ये नहीं ना देख रही है कि जो रोजगार करने वाले क्या खाएंगे। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह। आप जो चारों तरफ हमारे जन सैलाब देख रहे हैं, ये जन सैलाब किसी धार्मिक जलसे में शामिल होने नहीं जा रहा, ना ही धार्मिक स्वतंत्रता और उसके विकास और धार्मिक संस्कृति के लिए प्रचार प्रसार करने जा रहा है। ये जन सैलाब अपने बेहतर आज और सुनहरे भविष्य के लिए शहरों का रुख करता है। ख़ास तौर पर लॉकडाउन के बाद इन जन सैलाबों के लिए नया टर्म इजाद हुआ, प्रवासी मजदूर। लेकिन ये प्रवासी नहीं है, पलायन किए हुए श्रमदाता हैं। ये पलायन इसलिए करते हैं कि इनका बेहतर भविष्य हो सके। बेहतर भविष्य की उम्मीद में की गई पलायन आज वापस अपने घरों को लौटने के लिए मजबूर है। ये वो लोग हैं जिनका तमाम सत्ताधारी पार्टी वोट बैंक की तरह प्रयोग करती है। ये वो लोग हैं जिनका तमाम सत्ताधीश वोट बैंक की तरह प्रयोग करते हैं, नस्ल के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर। लेकिन जब बात इनके हित की आती है तो तमाम सत्ताधीश अपने चांदनी महल में विराजमान हो जाते हैं, और चांदनी महल में बैठकर टीवी के अंदर से इनके भीतर जागने का प्रयास करते हैं। ये वो मजदूर हैं जो हमारे कंक्रीट के शहरों को बेहतर बनाते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि अगर ये हमारा कल हमारा आज सवारेंगे तो उसी हमारे कल और आज के सवारने के जद्दोजहद में इनका कल और आज बेहतर हो पाएगा। कंक्रीट का शहर इन्हें खाली हाथ लौटा रहा है। जब ये गांव से लॉकडाउन के बाद वापस आए थे तो अपने साथ अनाज लाए थे, क्योंकि गांव की मिट्टी किसी को खाली हाथ लौटने नहीं देती। लेकिन आज ये कंक्रीट का शहर इन्हें खाली हाथ लौटाने को मजबूर है। अभी हम लोग कौशाम्बी बस स्टैंड पे हैं। यहाँ से यूपी के अलग अलग क्षेत्रों के लिए बसेस मिलती हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच। बहुत से लोग आए हैं यहाँ पे अपने अपने गृह प्रदेशों को वापस लौटने के लिए। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि अब आगे की राह इनके कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है, क्या है मन में इनके विचार। रोजगार चला गया है, अब आगे क्या सोचे हैं? क्या सोचेंगे, क्या है, कुछ नहीं है। गांव घर है, गांव पे जा रहे हैं, खेती बाड़ी जो है तो करेंगे, और क्या कर सकते हैं। हम लोग तो रोजगार खाने वाले, कमाने खाने वाले डेली के हैं, तो यही हो सकता है ना कि गाँव पर जाकर जो खेती बाड़ी होगा वही करेंगे, खाएंगे। डर लगता है अब कि कल के लिए भोजन कहाँ से जुटेगा, कल के लिए खाना कहाँ से आएगा। क्यों नहीं डर लगेगा, जब अपने हाथ में कुछ है ही नहीं। अगर कुछ हो गया बाल बच्चों को लेकर के तो क्या कर सकते हैं। इसलिए गांव जा रहे हैं, जो खेती बाड़ी होगा वो करेंगे, खाएंगे, वहीं रहेंगे। और यहाँ तो कोई कुछ मिलने वाला तो है नहीं, काम है ही नहीं, तो कोई करेगा कहाँ से। सरकार कह रही है कि आप लोग वापस मत जाइए, यहीं रहिए। सरकार तो कहेगी, सरकार तो ये नहीं ना देख रही है कि जो रोजगार करने वाले क्या खाएंगे। जब उनको काम है ही नहीं तो वो खाएंगे क्या, यहाँ रहने पर तो क्या करेंगे। मकान मालिक किराया छोड़ेगा नहीं, उसको भी तो किराया देना है, तो कहाँ से लाके देगा आदमी जब काम ही नहीं करेगा। तो सरकार पे भरोसा बचा है या इस शहर के लोगों पर मदद के लिए आगे आए कुछ लोग आपके, या सरकार पर कितना भरोसा है आप लोगों को? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। सरकार अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रही है, सरकार को जो करना चाहिए वो तो कर ही रही है। अब जनता अगर संभल जाए अपने आप से तो और अच्छी बात है। कितने लोग हैं परिवार में? कितने लोग, हम लोग, हमारे पास बहुत परिवार है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं। क्या काम करते थे? पेंटिंग का। हाँ, पेंटिंग का। तो कल ही छूटा है काम?
नहीं, कल नहीं, शनिवार से छुट्टा। तो ठेकेदार क्या बोले? ठेकेदार बोला पैसा भी नहीं मिलेगा, 10 तारीख के बाद पैसा मिलेगा। तो भरोसा है ठेकेदार पैसा दे देगा? भरोसा रख के क्या करेगा, जब हम लोग भूखे मरेंगे तो भरोसा रख के क्या फायदा। ऐसा जी, अगली बार फंस गए थे अच्छी तरह से, पैदल तक जाना पड़ गया। आप खुद चले थे पैदल? जी हाँ। तो इसके लिए पहले से ही तैयारी कर रहे हैं कि इस बार पैदल ना चलना पड़े। लोगों के मन में भीड़ इस वजह से भी ज़्यादा है आज 6 दिन के लॉकडाउन के बाद, क्योंकि लोगों के मन में एक डाउट है कि ये लॉकडाउन आगे ना बढ़ जाए, एक्सटेंड ना हो जाए। इस वजह से भी लोग एहतियातन पहले ही घर जाने के लिए आ चुके हैं कि क्या पता इस बार भी उन्हें अपने परिवार के साथ इस गर्म तड़पती कंक्रीट की रोडों पर पैदल ना चलना पड़ जाए। तो परिवार के लिए बच्चे भी हैं आपके साथ, कितने बच्चे हैं? तो इनके लिए दूध वगैरह खाना? नहीं, वो तो लिए हैं अभी फिलहाल में, रास्ते के लिए लिए हैं। कहाँ जा रहे हैं? आजमगढ़। तो योगी सरकार की तरफ से किसी तरह की व्यवस्था की गई है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गांव पे जा रहे हैं अपने घर पे। तो गांव के लोग अपनाएंगे आप लोगों को, जाएंगे? तो पिछली बार देखा गया था रोक दिया गया था गांव के बाहर, इस बार क्या माहौल है गांव में, क्या मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं, इस बार तो ठीक है। तो आप अकेले कमाते थे या आपकी गृह? अकेले कमाते जी। तो कितने साल के बच्चे आप? 2.5 साल का एक है और 1 साल का एक है। तो वापस लौटना है शहर? लौटना तो पड़ेगा, लौटना है शहर। लौटना है, लेकिन अभी परिवर्तन कुछ आ जाए। कुछ दिया है शहर ने आप लोगों को? क्या दिया है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और क्या दिया है, कमाना है, खाना है। क्या नाम हुआ जी आपका? सलीम खान। सलीम जी, कहाँ जा रहे हैं आप? बहरेज जाएंगे अपने। जाने का कारण? जाने का कारण तो मेरा ठीक है साहब, यही है दिक्कत की यार, अब बहुत परेशानी बढ़ती जा रही, पिछले साल भी हालात हुआ था, फिर वही हालात हो रहे हैं। तो सरकार कह रही है कि आप लोग रुकिए, जाइए मत, 6 दिन का लॉकडाउन है, 6 दिन के बाद फिर वापस आ जाएंगे, क्या दिक्कत नहीं है कोई। तो फिर 6 आना जाना, इतनी सारी समस्या, पैसा खर्च करके जाना। सर जी, तो अब क्या खर्चा नहीं करेंगे तो यहाँ 6 दिन का क्या करना है बताओ, अब 6 दिन में क्या कर लेंगे, अपने घर चले जाएंगे आराम से, अपना खाएंगे वहीं घर में रहेंगे, अपना आराम से इज्जत रहेगी वहीं बची। दिन में जो लॉकडाउन लगाए वो गलत होता है, रात में लगाना चाहिए था, जो रात में बोलता ना तो आदमी ठहरा हुआ था जहाँ वहीं रुक जाता, वो दिन में भागा दौड़ी हो गई, इस वजह से आदमी परेशान हो गया। आप क्या काम करते? मैं तो लेबर का काम करता हूँ। तो आप भी लॉकडाउन की वजह से वापस जा रहे हैं? मैं तो नहीं जा रहा, मेरे बच्चे जा रहे हैं। कहाँ है बच्चे? बच्चे यही है। तो पूरे परिवार को आप क्यों भेज रहे हैं, आप यहीं हैं तो? क्या करूँ, मजबूरन, काम धंधा नहीं है, इतने परिवार को मैं कहाँ से खिलाऊंगा। तो आप जहाँ रहेंगे वहाँ परिवार को भी रखिए। तो इतना किराया पड़ता है वो कौन भरेगा? तो दिल्ली सरकार का कहना है कि आप लोग दिल्ली में रहिए, जाइए मत, 6 दिन का लॉकडाउन है, फिर क्यों जा रहे हैं आप लोग? दिल्ली सरकार तो झूठे वादे करती रहती है और पहले भी करती आई है और फिर करती रहेगी। किया होता ना तो ये तुरंत नहीं लॉकडाउन करती, रात को ही बोलती, रात को ही बोल देती तो ये इतनी कहानी नहीं बनती। क्या मांग है सरकार से? सरकार से यही मांग है कि हम लोगों को, जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, इन लोगों को सुरक्षित भेज दिया जाए और कोई वैसी बात ना हो, बाकी सब ठीक है। हरदोई डिपो की ये बस है और लोग बाहर खड़े हैं और गेट नहीं खुल रहा है, लोगों की अपनी समस्या है, सीट का इंतज़ार कर रहे हैं और पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है। बात करने की कोशिश करते हैं कि किन कारणों से बस के गेट नहीं खुल रहे हैं, क्या कहना है बस ड्राइवर का और कब तक ये लोग इंतज़ार करेंगे। आ जाइए, आगे आ जाइएगा, बताइए जी, क्या किस लिए खड़े हैं आप लोग बस के बाहर? घर जाने के लिए। क्या दिक्कत है, क्या कह रहे हैं कंडक्टर? वो ले जाऊँगा ही नहीं। अंदर दिखा जरा, लूडो खेल रहे हैं। अंदर आप देख सकते हैं कंडक्टर, चालक सब सो रहे हैं और कुछ लोग मास्क भी नहीं लगाए हुए, और देखते हैं कि क्या कहना है इन लोगों का, कंडक्टर का। पहले जनता से बात कर लेते हैं, आम जनता से, जो सरकारें बोल रही है मास्क लगाइए, उन्हीं के अपने कर्मचारी मास्क बिना मास्क लगाए लूडो खेल रहे हैं। तो अंदर तो लूडो खेल रहे हैं, क्या कहना है कि ये कंडक्टर और ड्राइवर सो रहे हैं? ड्राइवर हाँ, तो ये जा नहीं रहे हैं ना, बोल रहे गेट नहीं खोलूंगा। क्यों, अब पता नहीं क्यों। आप लोग बिना मास्क लगाए, सरकार बोल रही है लूडो खेल रहे हैं अंदर, सवारी बाहर मर रही है, चालक सो रहा है, क्या कारण है? आप अभी रुको, अभी बताओ। मास्क कैप्चर करें,
लूडो खेल रहे हैं आप लोग बिना मास्क लगाए हुए, कर्मचारी वहाँ पे लोग बाहर वेट कर रहे हैं, क्यों नहीं खोल रहे गेट? आप लोग अंदर आप बिठा लीजिए, समस्या में है लोग। समस्या में नहीं, अभी क्या मास्क लगाए योगी जी को क्या जवाब देंगे? कैप्चर कर गाड़ी में। मास्क नहीं, गाड़ी में बैठे हैं आराम से, गाड़ी में तो थोड़ा मास्क निकाल सकते हैं ना। योगी जी तो बोल रहे हैं कि मास्क मत निकालिए गाड़ी। नहीं, कंटिन्यू मास्क थोड़ी लगा सकते हैं। ये सरकारी कर्मचारी का हाल है जिनका कहना है कि भैया योगी जी आप सुन लो, कि आप ही के कर्मचारियों का कहना है, गाड़ी नंबर आपका यूपी की गाड़ी है, गाड़ी नंबर दिखा इनका, UP 3080-7106। इन्हीं के कर्मचारियों का कहना है कि योगी जी हम मास्क नहीं लगाएंगे, हमेशा मास्क नहीं लगाया जा सकता। जनता परेशान है चारों तरफ, देख लीजिए ये आलम है। सरकार के तमाम दावों के बाद, सरकार तमाम मिन्नतों के बाद, सरकार आम जनता को समझा रही है, अपने कर्मचारियों को समझाने में सरकार अभी भी विफल है। लोग खड़े हैं लेकिन गेट नहीं खुल रहा, देखते अभी कितनी देर में गेट खुलता है। सवारियां बब्बर करती हैं, ड्राइवर सो नहीं पाता। आप सवारियों को नीचे उतर कर बोल तो दो, आप सवारियों को नीचे उतर के बोल तो दो कि दो घंटे में आप अंदर बैठ के लूडो खेल रहे हैं। आप किस लिए हैं? ना ना ना, आप तो आप सरकारी नौकर हैं, आप यहाँ मालिक बन के मत बैठिए, आप सरकारी नौकर हैं। आपकी जवाबदेही है कि आप जाके जनता को बताइए कि दो घंटे बाद गेट खुलेगा। बराबर बता रहे, बताओ कहाँ बता रहे, बता रहे हैं जी बराबर। गाड़ी का गेट खुला हुआ है, मेरी गाड़ी जाके देखो, गाड़ी खाली पड़ी है, कोई नहीं बैठा है, चार पांच सवारी है। कौन कह रहा है यार? जहाँ भाई साहब जिसको जहाँ जाना है वो वहीं जाएगा ना, कि आपकी गाड़ी गोरखपुर जा रही है, बहराइच की जनता गोरखपुर बिठा दी हुई है। हमारी गाड़ी गोरखपुर के लिए खड़ी हो यार, गाड़ी नहीं है यहाँ लखनऊ के लिए, कोई गाड़ी नहीं है। बहराइच जाने वाला आदमी गोरखपुर क्यों जाएगा? वो कौन कह रहा है? कौन गाली दे रहा है? हाँ जी कंडक्टर साहब, गाली दे रहे हैं आप लोग, गाली दे रहे हैं आप लोग जनता को, बाल काट लो। हाँ जी तो अभी तो इलेक्शन की वजह से जा रहे हैं या काम बंद हो गया? ना, इलेक्शन तो हो गया लेकिन ये डर की वजह से जा रहे हैं, ये बंद कोरोना की लंबा लॉकडाउन लग जाए इसी डर की वजह से हम घर जा रहे हैं, काम बंद पड़ा हुआ है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? जहांगीरपुरी। पैदल क्यों? पैदल ही है भैया, साधन नहीं है तो। हाँ साधन नहीं है, पैदल ही आ रहे हैं 3-4 किलोमीटर से आके। तो सरकार तो बसेस चला रही है? तो सरकार चला रही मेरे भाई, तो मिलने तो जाइए बस। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं? नागलोई से। पैदल? पैदल नहीं, ऑटो आया है अभी यहाँ पे, छोड़ दिया है, वो आने नहीं दे रहा अंदर। क्यों? बोला इधर नहीं जाएगा अभी ऑटो। तो वापस क्यों जा रहे हैं आप लोग? हम गांव जा रहे हैं। कारण? कारण काम धाम बंद हो गया। तो पूरा परिवार जा रहा है जी। तो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दरभंगा। दरभंगा जी। तो ट्रेन का टिकट या बस से? ट्रेन का टिकट है। है टिकट? हाँ। तो एहतियातन जा रहे हैं कि पिछली बार की तरह फंस ना जाए? हैं वापस से अपने गृह प्रदेशों को लौट रहे हैं। लौटने का जो मुख्य कारण है, लौटने का मुख्य कारण ये है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा। लोगों को सरकार की सुविधाओं के बारे में पता नहीं है कि सरकार उनके लिए क्या क्या योजनाएं परस्पर बना रही हैं। लोगों के मन में एक डाउट ये भी है कि अगर लॉकडाउन लंबा चल गया तो वो घर कैसे पहुँचेंगे। इस तरह की अफरा तफरी में ये माहौल बन गया है और लोग अपने अपने गृह प्रदेशों को लौटने को मजबूर हो गए हैं। सबसे पहला काम सरकार को ये करना चाहिए कि लोगों के मन के जितने भी भय हैं, डाउट हैं, वो हटाए, लोगों को क्लियर बताए कि ये लॉकडाउन कितना चलेगा और कब ख़त्म होगा। दूसरा, आम जन को ये समझने की ज़रूरत है कि पैनिक ना हो, पैनिक सिचुएशंस में माहौल बिगड़ेगा और आप लोग कोरोना अपने अपने गाँव तक हो सकता है कि लेके जाएं, वो स्थिति ज़्यादा भयंकर हो सकती है। आपको यहाँ पर इत्मीनान से रुकने की ज़रूरत है और ज़्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार कंटिन्यू आपके लिए अलग अलग योजनाएं बना रही हैं। योजनाओं के लिए जानने के लिए आप टीवी चैनल्स, बाकी पोर्टल्स का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन पैनिक क्रिएट करते हुए अपने गृह प्रदेशों में जाएंगे तो वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएँ चरमरा सकती हैं। इसलिए सरकार की बातें सुनिए, यहाँ रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार आपके लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि आपका जीवन किस तरीके से इस मुसीबत के समय भी सुचारू रूप से चल सके। और सरकार को भी लोगों के मन के बीच का डाउट खत्म करने की, जितने भी संदेह हैं वो ख़त्म करने की आवश्यकता है।
तभी इस तरह की पैनिक सिचुएशन बार बार क्रिएट नहीं होगी, नहीं तो हम लोग मार्च अप्रैल और मई 2020 को नहीं भूल पाए हैं और ये सिचुएशन दोबारा कुछ ऐसी बनती जा रही है। तो लोगों के मन का सरकार को काम करने की आवश्यकता है कि संदेह को दूर करे, ये सारा पैनिक संदेह की वजह से सिर्फ क्रिएट हो रहा है। सहयोगी सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, मीडिया दरबार, धन्यवाद।